अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने एक नए होटल में चेक इन कर लिया और एक नए शहर में आ गए। उस शहर का नाम है क्राबी। क्राबी के एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड हुए, हमें गाड़ी लेने आई और वो गाड़ी हमें ले आई एक आइलैंड पे। हमारा जो रिजॉर्ट है वो एक आइलैंड बेस्ड है और ये जो रिजॉर्ट है ये कम्प्लीटली सिक्लूडेड है, बेसिकली शहर से, गाँव से, हर जगह से बिल्कुल। बेसिकली उस गाड़ी ने हमें उतारा पियर पे और पियर से फिर हम तकरीबन कोई 10-15 मिनट की बोट राइड लेके अपने रिजॉर्ट आए। अब रात को तो अंधेरा बहुत था, दिन में पता नहीं क्या हाल होता है, मैंने कभी इतना ब्लू पानी नहीं देखा, मैंने कभी इतना साफ पानी नहीं देखा। और हमारा जो होटल है उसकी बड़ी ही एक मजे की आपको बात बताते हैं। अभी तो गंदा बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन ये जो होटल है यहाँ पे, ये बेसिकली उन्होंने मैं बोला है कि हमेशा अंदर से बंद रखे। आपकी वजह बताता हूँ, ये जैसे मैं खोलता हूँ ना, बाहर एक बड़े मजे की चीज लिखी है, आपको दिखाता हूँ। ऑलवेज यूज मंकी लॉक। वो इसलिए उसने मुझे बोला कि यहाँ पे दो किस्म के बंदर है, एक ब्राउन और एक ब्राउन और ग्रे। तो जो ब्राउन और ग्रे है ना वो अटैक भी कर सकता है, तो भाई हमें थोड़ा सा ना डर लग रहा था, कहते वो कहीं से भी आ जाते हैं। अरे रूम से जो बाहर का एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखता है, हमारा अंदर रूम है सारा। एंड ये रिजॉर्ट है यार, इतनी कोई नेचर में और आइलैंड वाइब्स आपको आ रही है क्योंकि हम एक्चुअली एक आइलैंड पे ही हैं। तो बस ये डर लग रहा है कि एक बंदर आएगा और एकदम से फोन लेके चला जाएगा, ये हम कुछ खा रहे होंगे तो लेके चला जाएगा और नहीं देंगे तो मारेगा। और नाश्ते का टाइम हो गया गाइस, जरा हमने ये बंद कर दिया, ये जरा हम मंकी लॉक तो लग गया। तो उसने हमें बोला है कि खोल भी लेते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको इंसान बड़े अच्छे लगते हैं। हम बिल्कुल ही बेसमेंट में हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं तो बड़ी चढ़ाई चढ़ाई भी होती है और आपको टूर कराते हैं। मैंने जो आइलैंड्स हैं वो रात के टाइम देखे थे, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसे दिखते हैं। इतनी भी तस्वीरें वीडियोस में देख रहा था और मैं नेहा से पूछ रहा था, मैंने कहा असल में से दिखते हैं, तो नहीं मुझे बताते थे कि एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं। मुझे वो ना एक्साइटमेंट तब से मैं कंटेन नहीं कर पा रहा। हाँ, नीचे से हम ऊपर आए, बिल्कुल हम जंगलों के बीच में हैं। ये जो लोग खड़े ना ये भी रुक गए हैं, ये बंदर है यहाँ पे, ये देखिए। पता नहीं यार, अभी देखते हैं, इसीलिए तो रुक गए हैं सारे। बंदरों का नाम लिया, वो देखो देखो देखो, वो बिल्कुल ऊपर बैठा, ये ग्रे वाले ही हैं, बहुत ज्यादा हैं। क्या यार रिजॉर्ट की वाइब्स हैं, सीरियसली इतना खूबसूरत रिजॉर्ट है ये। कहाँ गया यार ये एक बंदर है, पता नहीं आपको। हाँ, ये टेंशन हो रही थी, मैंने कहा यार खरीद लेते हैं। लेकिन यूजुअली जब भी आप किसी होटल की अलमारी खोलते हैं तो उसके अंदर होती है, लेकिन वो सॉफ्ट वाली होती है। ये वाली जो कैंची चप्पल है, फ्लिपफ्लॉप्स है, ये पहले की पड़ी हुई थी। टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे, 8 बजे हमारी बोट आएगी, हमारा आज आइलैंड टूर है जो स्टार्ट होना है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इतनी ये जो साउंड आपको अभी आ रही है, किसी तरह से आवाज आ रही है और इस तरह की चीजें जब आप देखते हैं मेंटली आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं बस यहाँ से बाहर निकलूं और मैं एक्चुअल आइलैंड देखूं। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सारी जो नूडल्स हैं, सारा जो ड्रैगन फ्रूट है और सारे जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं वो खा ली। हमारे टॉमयम नूडल्स ना शिकायत करते रहते हैं कि टॉमयम हमें मिलता नहीं है, तो अभी जब हमें मिला ना तो हम सारा कुछ वसूल कर लेंगे। एंड हमारा जो ब्रेकफास्ट एरिया है यार, वहाँ से मैंने अभी बाहर देखा, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे सामने क्या है। ये हमारे होटल का पूल है और उससे आगे अगर आपको नजर आ रहा हो वो सारा पानी, और वो ये हमारा आइलैंड है, रिजॉर्ट है, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। जैसे हमने ना टॉमयम नूडल्स लें, मुझे भी इश्कियाँ शुरू हो गई और रनिया को भी। इतनी कोई मिर्चे डालते हैं लोग, बेहतर हुआ। अगर आप कभी थाईलैंड आए और मेन्यू के ऊपर स्पाइसी लिखा हो गलती से भी, तो आप उसको सीरियस ही लें, क्योंकि वो उन्होंने असल में इस हमारा जो टॉप नॉट स्पाइसी लेवल होता है ना उसको भी क्रॉस किया होता है। मतलब वो हम आई फील हमसे बहुत ज़्यादा मिर्चे खाते हैं भाई, हम उतनी मिर्चे नहीं टॉलरेट कर सकते। मैंने ऐसी स्पाइसी लिखा था, मैंने कितना ही स्पाइसी होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया, वो सारे मुँह सड़ गया। इस रिजॉर्ट से दी ओनली वे गेट टू द सिटी एंड टू बेसिकली कम्यूट इस बाई स्पीड बोट, क्योंकि जी यहाँ से ज़रा केयरफुल जाना पड़ेगा। यह है कि आपको यहाँ से स्पीड बोट लेनी पड़ती है, वो स्पीड बोट फिर आपको आगे जहाँ भी जाना है वहाँ पे पहुँचाती है। ये ज़रा वेव्स की साउंड सुने, इतनी कोई सूदिंग लगती है। और अभी अनिया मुझे बता रही है कि जिन आइलैंड्स पे हम अभी जा रहे हैं, आज हमारे जाकर ट्रिप है, वो इतना कुछ शदीद ब्लू है पानी, ये भी ऐसे काफ़ी ब्लू ही लग पानी 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 दिन भी सनी। ये गाइस ये हिल भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये हमारी स्पीड बोट है, आराम से यार, ये तो बहुत ये कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। वेरी एक्साइटेड। अभी अपनी बोट से उतरे हैं और अब हम शटल लेके आइलैंड हॉपिंग टूर पे जाएंगे। जब से यहाँ पे आए हैं ब्रूनो की कुछ ज़्यादा याद आ रही है, जो डॉग रडार है ना हमारा वो ऑन हो गया। अब ये कुत्ते यहाँ पे पहली दफ़ा नज़र आए हैं यार, ये इनको प्यार नहीं चाहिए। पाकिस्तान में आप कुत्तों को ऐसे पूछ पूछ करें ना
वैसे ऐसे घुमलाते हो जाते, ये पास ही नहीं आते। वैसे थाईलैंड में इतना जरूरी है सन ब्लॉक, और बॉडी पे भी सन ब्लॉक लगाना, ये स्प्रे अपने पास लाजमी रखें। जब भी आपको कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले लाजमी लगाएं। शक्ल काफ़ी नहीं है, बॉडी भी काफ़ी है। पाकिस्तान में इतनी तेज़ धूप का मौसम नहीं होता, हाँ एक्सपोजर नहीं होता, हम बाहर ही इतना नहीं निकलते, तो शक्ल पे लगाना काम कर जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको पूरा भी आपकी एक्सपोज एरिया है, सब पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आते साथ ही अनिया ने मुझे शार्प 6 बजे उठा दिया कि 8 बजे हमें निकलना है। 8:15, 8:30 के आसपास हमारी जो शटल है वो आ जाएगी। लेकिन भाई साहब पता किस टाइम आएगी? 9:18। ज़रा अंदर चल के बैठते हैं और अपना आइलैंड टूर पे चलते हैं। या तो बहुत पंक्चुअल होते हैं या बिल्कुल ही पंक्चुअल नहीं होते। सो गाइस, अपने सबसे पहले स्टॉप पे हम पहुंच गए। ये हमारा सबसे पहला आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या था? नाम नहीं पता हमें। रेले बीच। यहाँ पे ज़रा रॉक क्लाइंबिंग वाले सीन्स है, और इतना कोई ब्लू पानी है, मतलब मैंने ज़िंदगी में, मतलब मैंने तो इतने बीच देखे नहीं है, लेकिन भाई साहब जो हम तस्वीरों में देखते थे वाकई जस्टिस तो करता है। मतलब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हम बैंकॉक जो 2-3 दिन हमने गुजारे आइलैंड आ जाते, ज़्यादा मज़ा आता। आइलैंड पे आते साथ ही ना ये थोड़ी सी वॉक करा के हमें 10 मिनट की आगे एक जगह पे लेके आए हैं, बेसिकली बीच साइड पे। गलती एक ही कि पैंट पहन के आ गया, तो अभी मैंने शॉर्ट्स में चेंज किया। यहाँ के सीन्स हैं, और ये जो सी शोर की जो आवाज़ है, दैट इज़ एडिंग मोर टू इट। और वो बीच में इतना प्यारा लग रहा है, क्रिस्टल क्लियर पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इतना ठंडा, जितनी धूप है उसके साथ मुझे इतना ठंडा है और ब्लू है। फाइनली हम अपने आखिरी आइलैंड पे हैं। इससे पहले हम 2-3 आइलैंड्स पे गए एंड काफ़ी देर वहाँ पे हम रुके, आधे आधे पौने पौने घंटे के लिए। तो इस तरीके से उधर 4 आइलैंड्स है टोटल, ये हमारा आखिरी आइलैंड है। बीच में मैंने ज़रा चूज़ किया कि मैं ना ब्लॉग करूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा जिया भी जाए। इस तरह के ना लंच बॉक्सेज होते हैं वो यहाँ पे देते हैं, मुझे लगता है कि बुफे होता है। और अभी आखिरी आइलैंड पे थोड़ा मुझे फैसिनेट कर रहा है, ये आप नोटिस करेंगे 2 अलग कलर्स हैं, ये वो ब्लू है और ये लाइट ग्रीनिश किस्म का है। हाँ, यहाँ पे ना बाम शाम का बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइगर बाम, विक्स की जो स्मेल वाला होता है, हर कोई अपने पास रखता है और हर कोई बार बार उसको स्निफ करता रहता है। मुझे भी आ रही है, जैसे हम लोग 2 दिन से यूज़ करें और हमने ऐसे नोटिस किया कि गाइस जेन्युइनली काफ़ी एडिक्टिव होता है यार। बंदा वैसे सेल्फिश होना तो मेरी बीवी जैसा हो। यहाँ पे हमने सोचा चटाई बिछा के, कुछ बिछा के ना हम सोते हैं, थोड़ा लेटते हैं, चिल करते हैं। लेके तो आई है तौलिया, लेकिन ये एक लेके आई है। अब ये एक पे 2 कैसे लोग आएंगे? कैसे इधर तुम बैठे तो मैं बैठ। हाँ सही बात है, अरे पैरों पे मट्टी लगेगी, कम लगी हुई है। तुम्हारे बाल ऐसे उजड़े हुए लग रहे हैं। आई नो राइट, माय बीच हेयर। और अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले वो सनस्क्रीन वाला स्प्रे लगाया, सुबह में सनब्लॉक लगा के निकला था, लेकिन हमने तरह स्विमिंग की, तो उसके बाद जब हम निकले तो अनिया ने मुझे ना वो स्प्रे लगाया, तो अनिया ने मुझे बोला कि भाई साहब आपको ना सनबर्न मुझे लग रहा है हो गया। अब ये पता तो कह रही है कि कल चलेगा, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ना ही हो। फाइनली टाइम टू गो बैक। तरीके से सारी जो बोट्स हैं वो लगी होती हैं, यहाँ पे लोग अपनी चिलिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पे बोट्स हैं। हमारा जरा टाइम है वापस आने का। फाइनली बैक एंड हम फ्लोटिंग पियर पे, ये फ्लोट कर रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे आइलैंड से आने के बाद तो मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह अभी भी खूबसूरत ही है, लेकिन यार जो आइलैंड देख के आए हैं बाहर, तो ये कुछ भी नहीं लग रहा, क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी। मतलब यार आई फील ना वीडियो जस्टिस करती हैं ना बातें जस्टिस करती हैं। आपका मौका हुआ तो ज़रूर आइएगा। वापस होटल आए, कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा रेस्ट किया और हम निकल गए भाई साहब। पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, लास्ट टाइम हम गए थे बैंकॉक की नाइट मार्केट में, यह है क्राबी की। और यार पॉइंट खरीदना नहीं है, पॉइंट शॉपिंग करना नहीं है, पॉइंट है उसके ऑरा को और उसके वाइब को एंजॉय करना। और जेन्युइनली इतना मज़ा आता है ना, आप ऐसे ही फिरते हैं, म्यूजिक चल रहा है, अंडे के स्टॉल लगे हुए हैं, इतना मज़ा आता है यार मैं आपको बता नहीं सकता। एडल्टिंग का टाइम आ गया गाइस, हमें ना मग्गे अच्छे लगते हैं, कप्स अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे कोकोनट शेल से बने हुए हैं फेक, लेकिन लगते असली हैं। ये देखो इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, दिल कर रहा सारे लेने बने। गाइस हम नाइट मार्केट में थे एंड नाइट मार्केट का स्ट्रोल करते करते हमें एक शख्स नजर आया, वो दूर से ही वो शख्स ना पता लग जाता कि वो है कौन, और वो फुल थाई बना हुआ था। अरे जहाँ भी जाते भाई मिल जाता है, हमें दोबारा मिल गया। ये देखिए गाइस अपना पीना कुलाटा पीते हैं। इसने हड्डी में कबाब, कबाब में हड्डी, हड्डी हड्डी। I'm gonna be honest, I was Ali, here. Ali, Ania, Ali ko niche karte. Yeah, that's Ania right there. But no, I've been here since the 19th. So don't blame me. I didn't come here
you know, to like ruin their thing. They have their thing. We're here for one day enjoying. हाँ, हम लोग सिर्फ हमने सोचा कि डिनर के लिए मिलते हैं. अभी हम थोड़ी देर में डिनर करेंगे. मैंने अपनी अमेरिकानो ले ली. अनिया ने अपनी कैपुचिनो ली. Yeah, well, yeah. Guys, it might be dinner. हमने इसको adopt किया. Five star only. कौन सा five star है यहाँ पे? यहाँ पे तो street food. The beach resorts are here. तो हम beach resort से निकल के हम beach resort का खाना क्यों खाएंगे? You guys stayed in the worst place. I'm sorry. It's not the worst. It's so good. No, it's nice, but like I'm saying, worst location. Ah, true. Because there's a five star like down there, and there's a five star right where I live. Like a really good five star. It has the same thing. But we want to have the street food. निकल के ना गाइस मेरा टॉमियम मीटर खत्म हो जाएगा बिकॉज इतना टॉमियम पी चुकी है. आई थिंक जिंदगी का सारा टॉमियम अभी थाईलैंड की ट्रिप में पी लिया. Bangkok and there was this Which restaurant Siam Paragon. We went to Siam Paragon too, but like first we went to Icon Siam and there was this restaurant. It said spicy tom yum, okay. And I thought Thai people don't eat spice at all. So I was like, you know what, their spice. She took that too lightly. I was like, oh, they wrote spicy specifically. Yeah, and I ordered it and I literally I'm like, you know, made a whole big bite of noodles and I'm like, shit. I didn't know how to spit it out. And then listen, I walk here and I'm sweating. I eat the spice food, I'm literally dripping like really bad. Dude, main bahut tez mirche khata hu. And the moment I had that, excuse me, listen. Shall we like run back the video on Arman, the spicy noodle video? Oh, I'm serious. Like over here, I eat and like it's crazy spicy. They give you that little small balls they give. You're like, okay, nice sweet chili or whatever. It's crazy. It burns your throat, burns your tongue. You can't like taste anything for a couple hours. Guys, this might be a very weird comparison, but I really feel the night market is na, wo bahut acha zyada civilized version hai. Mujhe aisa lagta hai ki jo Islamabad ke atwar bazaar hai, agar usme itna potential hai bhai, itna potential hai aur main hamesha ye baat bolta hu. I think it's one of the best. Waisa hamare atwar bazaar mein bada potential hai. Abhi aate saath ye food corner mein kya aage, ye Nutella crepes hum kha rahe hain. Really really hope ki hamare jo atwar bazaar hai kisi din is tarah dikhe. और इन सालों दिखेगा पोटेंशियल बहुत है गाइस. ये बादाम लग रहे हैं, ये हमारे क्रेप नहीं रहे, मुझे पता भी नहीं था. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. टॉमियम नूडल सूप नो गुड नो पे. अगर अच्छा नहीं है तो पैसे ही ना दो. हालत मेरी इतनी उजड़ी हुई है, ये भी मैं ऐसे मकाओ लग रहा हूँ. वो तोता नहीं होता वो दारे माई सोने. आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में. वो अगले दिन रिकॉर्ड करते ना हम एंडिंग, तो बाद में मुलाकात होती है. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.